नमस्कार और आदाब। सनीचर फ़रवरी के 8 तारीख, पेश है आपके लिए 7 दिन के खबरें। रॉबर्ट फंत्रिक, अब एक्स गवर्नर सेंट्रल बैंक फंड सूरीनाम के बारे में काफ़ी चर्चा हो रहा है। ये 2 हफ्ते से यह चर्चा हो रहे हैं और बहुत से जनता की तरफ से सवाल किया गया है इस समस्या के बारे में। इस हफ्ते में यह बताया गया कि रॉबर्ट फंत्रिक के खिलाफ कुछ कानूनी कार्रवाई लिया जाएगा, एक स्ट्रफ्टरेक्टलक ओंदरशुक आएगा और ये खोजबीन शुरू हो गया है। रॉबर्ट फंत्रिक को हिरासत में लिया गया है। जनता के सवालों पर यह खबर आई है ये हफ्ता कि प्रेसिडेंट देसी बौद्ध एक प्रेस कॉन्फ्रेंसी लगाने वाले हैं और ये प्रेस कॉन्फ्रेंसी था कल सुबह को, फरवरी के 7 तारीख को। इस प्रेस कॉन्फ्रेंसी पर प्रेसिडेंट देसी बौद्ध के साथ वहां पर मौजूद था रखेरिंग्स कमिसारस विजय केरपलानी और मिनिस्टर हंडल इंडस्ट्री एंड टूरिज्म का स्टेफन संग। प्रेसिडेंट देसी बौद्ध इस प्रेस कॉन्फ्रेंसी पर लोगों को पुकार किए हैं, जनता को कहा है अपना दिमाग ठंडा रखने को और बेवजह का अशांति देश में नहीं फैलाने को। वैसे जो इन्फॉर्मेशन मिला है वो इन्फॉर्मेशन है रखेरिंग्स कमिसारस विजय केरपलानी की ओर से। केरपलानी ये बताए हैं कि जो पैसा जिसके बारे में बातचीत हो रहा है, यह कसर सिर्फ जो है यह पैसा चोरी नहीं हुआ है, यह पैसा कुछ ऐसे चीज़ों में इस्तेमाल हुआ है लेकिन चोरी नहीं हुआ है, ये वो जानकारी दिए है। कस रिसर्फ जिसके बारे में बातचीत हो रहा है, केरपलानी ने बताई है कि ये जनता के ब्लास्टिंग का पैसा नहीं है, ये पैसा है जो रॉयल्टी से अंदर आई है, ग्रसाओकों ने रॉयल्टीज के तौर पर सरकार को दिए हैं, ये पैसा के बारे में हम बात करते हैं। और ये कहा गया है कि कुल मिलाकर 190 मिलियन यूएस डॉलर की बात है, 197 मिलियन यूएस डॉलर की बात है और इसमें से 100 मिलियन जो कस रिसर्फ था, ये जो 100 मिलियन का रिजर्व था और 79 मिलियन ये डिपोजिटों का टर्मेन डिपोजिटों का पैसा, ये पैसा चोरी नहीं हुआ है लेकिन इस्तेमाल हुआ है दे एस बी द सूरीनाम सबंक और असूरिया के लिए एक ज़मीन खरीदने को, इसमें 20 मिलियन यूएस डॉलर खर्चा हुआ है और बाकी का पैसा 85 मिलियन इसके लिए सोना खरीदा गया है, ये जानकारी कल के प्रेस कॉन्फ्रेंसी पर दिया गया है। जो खोजबीन त्रिक के खिलाफ हो रहा है, केरपलानी ये बताते हैं कि ये पैसा चोरी नहीं किया, इसी सिलसिले में नहीं है लेकिन ये कॉन्ट्रैक्टन के सिलसिले में है जो दस्तखत हुआ है, कंसल्टेंसी कॉन्ट्रैक्टन जो ओरियन के साथ दस्तखत हुआ है और कुछ महंगे मोटर गाड़ी खरीदा गया है जिसके लिए ज़रूरत से ज़्यादा पैसा भरा गया है, मतलब कीमत जो गाड़ी का था उतना नहीं लेकिन उससे कई गुना ज़्यादा पैसा इस गाड़ी के लिए लोग भरे है और इस पर अब खोजबीन हो रहा है। विजय केरपलानी ये भी बताए है कि एक बंक वे थे, बहुत ही पुराना बंक वे थे नेहतिन सेसन फेफ तक का, और ये बंक वेत के मुताबिक फंत्रिक इस जो गवर्नर तब था, लेकिन हर एक गवर्नर जो है सेंट्रल बैंक फंड सूरीनाम का उनको कुछ हक मिलता है, वो बगैर इजाज़त से कदम उठा सकता है और ऐसा उन्होंने किया है, फंत्रिक यहाँ पर किए हैं और ये इसके लिए किसी के इजाज़त के ज़रूरी नहीं है। तो ये जो कॉन्ट्रैक्ट दस्तखत हुआ है जिसके लिए काफ़ी पैसा भरा गया है और जो महंगा मोटर गाड़ी खरीदा गया है, इसी सिलसिले में ये खोजबीन फंत्रिक के समस्या में हो रहा है। फंत्रिक के वकील जो है इरविन कन्हाई और जॉन क्रा, मिनिस्टर हंडल और इंडस्ट्री का, हंडल इंडस्ट्री और टूरिज्म का स्टेफन संग जो प्रेस कॉन्फ्रेंसी पर भी मौजूद था, उन्होंने कहा है कि बेवजह के कुछ ऐसे इलाखाल कंप्यूज हैं जो कोर्स दिन पे दिन चढ़ाते हैं और जनता के अंदर लोग काफ़ी लोग नाराज़ है, जो लोगों को जिन लोगों को फालूदा यानी फ्रेम फालूदा विदेशी पैसा ज़रूरी है, इन लोगों को काफ़ी चिंता भी है, ये कोर्स लोग चढ़ाते हैं, इस पर कार्य लोग करने वाले हैं, ये इलाखाल कंप्यूज जो है जो कोर्स चढ़ाते हैं। और ये भी बताया गया है कि आने वाले दिनों में इकोनॉमी से कंट्रोल दिन जो है स्मोकल पर और प्राइस ऑफ ड्राइविंग जो लोग ज़्यादा दाम मांगते हैं सामान के लिए, उन लोगों पर भी कार्य होगा।
वैसे ये प्रेस कॉन्फ्रेंसी के दौरान खबर भी मिला है कि आने वाले सोमवार को मुमकिन नया गवर्नर का नाम बताया जाएगा, जो सेंट्रल बैंक का नया गवर्नर होगा। वैसे आपको ये भी पता है कि फंतरिक से पहले खैरसी को भी ओंसलाफ से भेजा गया है रहियरिंग बौद्ध अधीन के जरिए। पंजगढ़ में बीते हुए मंगल को एक मौसी फन वन त्रावन लोग इन दिन किए थे और ये था मिनिस्टर गिलमोर हुफदराट को घर भेजने के लिए, क्योंकि इन लोगों का ये मानना है कि अगर फंत्रिक गलती किए हैं तो इसका भी जिम्मेवारी हुफदराट को लेना चाहिए। इसके लिए भी मिनिस्टर गिलमोर हुफदराट भी बराबरी के सीमावार है। ये जो मौसी लोग इन दिन किए थे, ये ओपोसिटी ये मौसी इन दिन किए थे फेहा पे आबो पे एल एन पी एस, ये इसके लिए 26 लोग इसके खिलाफ वोट दिए हैं, ज़्यादा से ज़्यादा लोग इसके खिलाफ वोट दिए हैं। सिर्फ 15 लोग इस मौसी के लिए अपना वोट दिए, बाकी के लोग इसके खिलाफ थे, इसलिए ये मौसी जो है पास नहीं हुआ है। पिछले हफ्ता हम आपको बताए थे मिनिस्टर हुफदराट जो है दुवान लैडिंग को घर भेज दिए हैं। अब यहाँ पर एक नया लैडिंग आई है। मंगल को दुवान लैडिंग जो है एक आएलफे में एक अलहमीन लैडिंग फरखादरिंग दुवान बॉन्ड का इसमें ये पेश लोगों को पेश किया गया है। इंस्पेक्टर लॉयड कुन जो है अब यहाँ का बागडोर संभाल रहे हैं और इसका प्लाट्स फरफंगर है पैट्रिस ऑरम्स कैरक। आएलफे पर बॉन्ड के लेडन को बताया गया है कि कुछ बदलाव आने वाले हैं, कुछ बदलाव इस वक्त शुरू हो गया है और जो मैनेजमेंट टीम था ऑगस लोब्रेख्त के निर्देशन में ये सब कुछ समय के लिए वहाँ पर रखा गया है। बाद में एक साल के लिए ये मैनेजमेंट टीम को समय मिला था और ये समय बढ़ा दिया गया था, लोग वहाँ पर काम कर रहे थे, लेकिन अब एक नया दिन स्लाइडिंग यहाँ पर आई है लॉयड कुन के निर्देशन में। कोरोना वायरस के बारे में काफ़ी हलचल है, न सिर्फ सूरीनाम देश में लेकिन विदेश में भी। इस बारे में लोग जानकारी चाहते हैं, काफ़ी लोग डर में है और मिनिस्ट्री फन फॉलक्स को सौंपते इस बारे में काफ़ी जानकारी जनता को भी दिए है। मिनिस्ट्री फन फॉलक्स को सौंपते कहते हैं कि सूरीनाम देश में लोगों को बचाने के लिए, लोगों के बचाव के लिए, लोगों की हिफाजत के लिए नया कोरोना वायरस से तो सरकार कुछ ऐसे कुछ नियम लाए, कुछ रेखल्स कुछ मात्र रेखल लिए हैं और राय देते हैं कि जो लोग पेशतर कहा गया था सूरीनाम देश में आएंगे नित एन खसेतने विदेशी लोग जो है सूरीनाम के नागरिक नहीं है, जो लोग देश में आएंगे उन लोगों को इजाज़त नहीं दी जाएगी सूरीनाम आने के लिए। ये जो राय है ये फिर से बदला गया है। अब मिनिस्ट्री फन फॉलक्स सोसोंथे के कहते हैं कि यात्रियों जो सूरीनाम देश में आते हैं और कोई बसमत खबीत से आते हैं शीना में जहाँ पर ये बीमारी ये कोरोना वायरस है, उन लोगों को स्क्रीन किया जाएगा एयरपोर्ट पर और स्क्रीनिंग के बाद अगर कुछ सिम्टोम रहेगा ये मालूम होगा कि शायद खतरा है कि आपके पास कोरोना वायरस है तो आपको क्वारंटाइन में रखा जाएगा 14 दिन के वास्ते। मतलब ये है आपको सबसे अलग रखा जाएगा, अकेले में आपको रखा जाएगा, आपको लोगों के बीच में रहने के इजाज़त नहीं दिया जाएगा 14 दिन तक, 2 हफ्ते तक। वैसे फॉलक्स कोसोंथे का मिनिस्टेरी ये भी कहते हैं कि अगर आपके पास कोई ऐसे सिम्टोम स्क्रीनिंग पर पता नहीं चलेगा तो आपको राय दिया जाता है तो भी अगर बसमत खबीत से आप आए हैं जहां पर ये फीरो से तो आप खुद ये मात्र रेख ले लीजिए और अपने आप को आप क्वारंटाइन में रखिए 14 दिन के वास्ते, लोगों से मत मिलिए, आप अलग ही रहिए, लोगों से दूर रहिए, ये आपके और आपके आसपास के लोगों के हिफाजत के लिए कहा जाता है। वैसे कुछ और बातें बताया गया था ये तो आपको पता है, आपको वक्त वक्त पर हाथ धोना चाहिए, हाथ आपको साफ रखना है, अगर हो सके तो किसी से हाथ आप मत मिलाइए, खांसी अगर आप करेंगे तो आप रुमाल इत्यादि अपने मुंह के आगे रख लीजिए और किसी के सामने खांसी करने के ज़रूरी नहीं है, इससे ये बीमारी भी फैल सकता है। इन चीज़ों पर आप गौर कीजिए, बहुत से ऐसे फॉलोसोसोंथे के साइट पर आपको टिप्स दी गई है, इस पर आप इसको पढ़िए आप और इस पर ज़रूर आप गौर कीजिए। वैसे राय आपको दी जाती है फॉलक्स कोसोंथे की तरफ से, लेकिन और जानकारी अगर आपको चाहिए तो एक अलर्ट लाइन है 8178
इन सही फाह इस पर भी आप तार कर सकते हैं। कोई प्रॉब्लम है, कोई मुश्किल है, कुछ सिम्टोम आप देखे या कोई जानकारी आप चाहते हैं तो ये अलर्ट लाइन जो है इस पर आप तार कर सकते हैं। जनता से गुजारिश किया गया है, बेफसूल में बेवजह का आप जनता के अंदर आप डर मत डालिए, क्योंकि सूरीनाम देश में किसी को अभी तक कोरोना वायरस नहीं है। इसी हफ्ता में यह खबर बाहर आई थी कि अकादमी सिकन हाउस पर हमारी वो के आईसीयू इंटेंसिव केयर यूनिट पर दो लोग हैं जिनको कोरोना वायरस है, लेकिन ये सच बात नहीं है। यह फॉलोसोसोन तेबी और आसिफ पे का डायरेक्सी ये खबर दिए है कि यह बिल्कुल सच बात नहीं है। दो मरीज, दो पेशेंट्स वहां पर इलाज के लिए आईसीयू यूनिट पर रखा गया था। दोनों बीमार थे, दोनों को बुखार थे। इसमें से एक को एक लॉन्ग ऑनस्टेकिंग था और बाद में इसके देहांत ये लॉन्ग ऑनस्टेकिंग के कारण हो गया है। यह हम आपको बता दें, जानकारी अकादमी सिकन हाउस पर हमारी वो और फॉलोसोन भी दिए है कि यह कोरोना वायरस जो है, यह नाम कोरोना वायरस जो है, यह 7 टिप के वायरस होते हैं। इसमें 7 टिप कोरोना वायरस है जो लोग जानते हैं, और इसमें 4 क्लासिक फॉर्म है कोरोना वायरस का। इसमें बुखार लोगों को होता है, खांसी, सर्दी इत्यादि जो होता है ये आम बात है, इससे लोगों का देहांत नहीं होते हैं। अगर लॉन्ग ऑन स्टेकिंग हो जाए, और ये लॉन्ग ऑन स्टेकिंग से हो सकता है, इस पर वक्त पर आप ख्याल नहीं करेंगे तो हो सकता है किसी का देहांत हो सकता है, और ऐसा हुआ है ये मरीज के साथ जो आईसीयू में जिनको लोग इलाज कर रहे थे, तो ये हुआ है कि एक शख्स का देहांत हुआ है, लेकिन वो कोरोना वायरस के बाद नहीं है जो अभी हाल ही में शीरा में पाया गया है। ये जो कोरोना वायरस 2019 का 2019 NCOV, वैसे ये 4 क्लासिक फॉर्मन के अलावा सार्स और मैर्स भी ये सब कोरोना वायरस होते हैं, तो ये जानकारी हम आपको दिए हैं। एक स्त्री एक औरत का देहांत हुआ है, ये गाड़ी हाँकते वक्त कैनेडी वेक में मुमकिन इनकी तबीयत ख़राब हो गई है और ये गाड़ी के साथ नली में जाकर गिर गया है। जब पुलिस वहां पर आए हैं तो ये पता चला कि इसके देहांत हो गई है। ये यूं ही बस कोई वैसे बात नहीं है, ये यूं ही इनके देहांत हो गई है, और लाश जो है ये परिवार को दी गई है अंत्येष्टि क्रिया के पास से। ये हफ्ता में ये मामला हुआ है कैनेडी वेक में। एक ब्रॉमफिट्सर का देहांत निकेरी में हुआ है, यह 65 साल का ब्रॉमफिट्सर जो है नंद किशोर जियावन, बुध को मुंगरा मेडिस सेंटर में निकेरी में इनका देहांत हुआ है। इनका हादसा जो है 28 जनवरी को हुआ था, क्रॉसिंग आबल और खुफनोर स्ट्रात निकेरी में। वहां पर ये बुरी तरह से घायल हुए थे, एक स्केडल बासिस फ्रैक्चर और एक रिप फ्रैक्चर इन्हें हुआ था। इन्हें हॉस्पिटल में लोग दाखिल किए थे, लेकिन बीते हुए बुध को इनका देहांत हो गया है। एक स्त्री जो अपनी गाड़ी से इस आदमी से जाकर टकराया था, NS, इनको हिरासत में रखा गया था, लेकिन अब रिहा की गई है। इनके पास एक रेप वेस था, लेकिन ये रेप वेस पिछले साल अगस्त के 14 तारीख से फरफाल था, और इसलिए इनको लोग हिरासत में भी रखे थे। और ये जो अफसोस की बात ये है कि हादसा से यह ब्रॉमफिट्सर का देहांत हो गया है, 65 साल का नंद किशोर जियावन। एक और ब्रॉमफिट्सर का देहांत हुआ है बीफे के सुबह में, ये आन रेडिंग जो ब्रॉमफिट्सर के साथ हुआ है लेडिंग आख पर। यह आदमी जो है ब्रॉमफिट्सर राजेंद्र प्रसाद नारायण ससन सस्तखियार, ये इंद्रित से निकलकर लेडिंग आख होफ्तवेख पर आ रहा था, लेकिन हो सकता है ये गाड़ी को नहीं देखे है और एक औतुरस्तूदर जो है जाकर इनसे टकराए है। ये इतने बुरी तरह से घायल हुए थे कि वहीं पर इनके देहांत हो गए है। बस्तूरस्तर जो था गाड़ी जो हाँक रही थी, इनके पास एक खलदख रेबवेस था जो पुलिस खोजबीन के दौरान ले लिए है, और दोनों गाड़ी और ब्रॉमफिट्स जो नहीं दोनों है ये अंधशुक के सिलसिले में खोजबीन के लिए ये कब्जे में भी लिया गया है।
एक और खबर हम आपको देना चाहते हैं कि लगभग 30 महीने के बाद दर्तक मांड पहले 30 महीना पहले स्तर्त से दिया गया था इलाका वानिका में रेगोनाउसिकनोस वानिका के वास्ते इसका टेक्निस ऑपलेफरिंग हो गया है और ये सुख फरवरी के 7 तारीख को हुआ है। ये जो ऑपलेफरिंग 30 साल के बाद हुआ है ये सिकन हाउस में एक स्पुत एसेंडर हुलप है, पॉलीक्लिनिक है, 3 बेड हाउस है और इसका कैपेसिटी है 180 लिख बेडन का, इसमें 180 पलंग है। आगे में मेडिस और क्लिनिस बहंदलिंग यहाँ पर होगा, कोकन है, वसरे है और भी इसोलासी रंग इत्यादि मोर्टुवारियम फल ऑप्सला प्लाट सभी यहाँ पर है। ये सिकन हाउस जो निकेरी रेगोनाल सिकनर्स वानी का जो है इसका टेक्निकल ऑपलेफरिंग कल सुबह को हुआ है। ये आखिरी खबर है आज 7 दिन। शुक्रिया, नमस्कार और खुदा हाफिज़।